जैसा कि हमें पता है कि प्रभास सर को बाहुबली के रोल में कितना ज्यादा पसंद किया गया और उसका एक अलग ही फैन बेस है, लेकिन जैसे आदि पुरुष में उनको राम जी का रोल मिला तो वो उसमें थोड़ा सा जच नहीं रहते। एंड आई गेस यहाँ पर बाहुबली वाली इमेज को यूज करने की कोशिश करी गई ताकि इस मूवी को भी हिट करा जा सके। तो 100 की सीधी एक बात है कि वो राम जी के रोल में सूट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं ऋतिक रोशन सर को लेने वाला हूँ एज अ राम जी, तो ये मोहन जोदारो वाली इमेज है इसको यूज करने वाला हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी मेरे को धोती मिल गई है तो एक काम इजी हो जाता है। बाकी जो ऊपर जैकेट है उसको रिमूव करना है और इनको राम जी में कन्वर्ट करना है, तो फिर एडिटिंग करते हैं। अच्छा, ध्यान में देने वाली बात यह है कि हमारे पास जो बॉडी पे कपड़े हैं उसको रिमूव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि सेम पोज और सेम बॉडी ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पेन टूल से इसे कट करके अलग से रख लेता हूँ। और जैसे प्रभास जी को जूती बनाई हुई थी वो गलती हम यहाँ पर नहीं करने वाले, तो यहाँ पर मैं पैर भी रिमूव करके दूसरे पैर से रिप्लेस कर दूंगा। और बॉडी के लिए ये वाली इमेज यूज करने वाला हूँ जो काफी हद तक सिमिलर है और पोज में भी सिमिलर है, तो इसको भी मैं पेन टूल की हेल्प से कट करके अलग से निकाल लेता हूँ और यहाँ पे मैं लगा दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कलर लाइट शेडो का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उसको भी हमें मैच करना पड़ेगा। तो लिक्विफाई यूज ना करते हुए यहाँ पे मैं पपेट यूज कर रहा हूँ क्योंकि वही ज्यादा इफेक्टिव है। तो यहाँ पर बॉडी लगाने के बाद आप देख रहे हैं अगर मैं रिमूव कर देता हूँ तो पोज ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है। जो फर्क है वो सिर्फ कलर और शेडो और हाइलाइट्स का है जो कि हम एंड में ठीक कर देंगे। हमने जैकेट तो रिमूव कर दी है लेकिन जो जैकेट के नीचे वाला पार्ट था वो धोती पे आ रहा है, तो उसको भी रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा कुछ राम जी के धोती पे हमने कभी देखा नहीं है। तो यहाँ पर मैं सिंपली उसे क्लोन करके इसको इजीली हटा दे रहा हूँ। और सबसे जरूरी चीज यहाँ पर कलर, जो धोती का कलर है वो केसरी रख रहे हैं जैसे कि हमने अभी तक देखा है राम जी को पहने हुए और वो आदि पुरुष में करना भूल गए थे, तो वो गलती हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं केसरी कलर ही रख रहा हूँ और यहाँ पर मैं इनके गले में माला पहना रहा हूँ, तो इसी को मैं डुप्लीकेट करके दो कर दूंगा और थोड़ा सा शेप में चेंजेस कर दूंगा। पोज की अच्छी बात यह है कि हाथ में धनुष पकड़ाने में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, तो यहाँ पर मैं ऐसा कुछ धनुष पकड़ा रहा हूँ। और पहले मैंने हेयर स्टाइल को बनाने के लिए आउटलाइन ड्रॉ कर ली है क्योंकि एक बेसिक स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में था और मैंने उसको बिल्कुल कलर से फिल कर दिया है। हालांकि हम इसे रिप्लेस कर देंगे विद ओरिजिनल हेयर, पर एक बेसिक लेयर होना बहुत जरूरी है ताकि आपको दिमाग में आइडिया रहे कि किस तरह से हमें हेयर बनाना है। तो यहाँ पर मैं ऐसी ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो फीट है उसको रिमूव कर देंगे क्योंकि उसके अंदर जूतियां हैं, तो यहाँ पर मैं उसे रिमूव कर रहा हूँ। और आर्म पर भी हमने देखा है राम जी की माला होती है तो वो पहनाने वाला हूँ। तो उसके बाद बारी आती है बैकग्राउंड बिल्ड करने की और ये सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए यार, क्योंकि बैकग्राउंड क्या रखना है वो समझ नहीं आता क्योंकि उस टाइम पे क्या चीजें थी कैसी थी उसको इमेजिन करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं से रेफरेंस लेके थोड़ा बहुत देख के उसी हिसाब से बनाना पड़ता है। 3-4 डिफरेंट इमेजेस यूज करके बैकग्राउंड को बिल्ड किया है और थोड़ा सा टिल्ट रखा हुआ है और मैंने बैकग्राउंड भी उसी हिसाब से बिल्ड करा है जिस हिसाब से ऋतिक सर के बॉडी पे लाइट आ रही थी, तो उसको ध्यान में रख के मुझे बनाना पड़ा। ऐसा नहीं कि लेफ्ट से लाइट आ रही है और बॉडी पे राइट से लाइट पड़ रही है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रख के हमें हमेशा बैकग्राउंड बनाना चाहिए। जो हमने हेयर ड्रॉ करे थे स्टार्टिंग में, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ओरिजिनल हेयर कट करके रखे हैं और यहाँ पे बारी बारी से उसे प्लेस कर रहा हूँ। अभी कलर बिल्कुल भी आपस में नहीं मिल रहा लेकिन ये एंड में बिल्कुल सही होने वाला है, तो फिलहाल के लिए इसको ऐसे लगाते हैं, कलर ग्रेड धीरे धीरे करते रहेंगे साथ में। हमने हेयर और ड्रेस तो सब बना दिया लेकिन जो मेन चीज रहती है वो हाइलाइट्स और शेडोज रहती है। यहाँ पे मैं बेसिक हाइलाइट और शेडोज बना लेता हूँ ताकि एक डेप्थ आ जाए और मुझे भी सीन का थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि आगे क्या करना है। ये जो इमेज यूज करी है यहाँ पर हमने ऋतिक सर की, उसमें उनके फेस पे थोड़े से ब्लेमिशेस थे, ब्लेमिशेस चोट वगैरह थे जो उस मूवी के हिसाब से थे, तो उसको यहाँ पर मैंने रिमूव कर दिए क्योंकि इस सीन में वो चोट वोट दिखाना मतलब ही नहीं बनता। शेडो और हाईलाइट डालने के बाद भी जो हमने टॉर्सो लगाया था अलग से, उसका कलर अलग से अभी भी पता चल रहा है कि वो अलग से हमने लगाया हुआ है और कुछ ज्यादा ही अलग अलग हो गया। अगर आप कंपेयर करेंगे जो बॉडी पे हाईलाइट्स है और फेस पे जो हाईलाइट्स है वो बिल्कुल मैच नहीं हो रही। जो बॉडी पे हाईलाइट आ रही है वो बिल्कुल शार्प है और बिल्कुल व्हाइट के क्लोज है, तो उसको भी हम मैच करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं इयररिंग्स बना रहा हूँ इनकी, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से इयररिंग्स बना दिए, कुछ ज्यादा फैंसी नहीं बनाया है। अभी जो हमने राम जी बनाया वो ऐसा लग रहा है सिर्फ हमने बैकग्राउंड के ऊपर उठा के रख दिया है, तो उसके लिए शेडो बनाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं कॉन्टेक्ट शेडो बनाने वाला हूँ और सिंपल ब्रश यूज कर रहा हूँ यहाँ पे बनाने के लिए। शेडोज तो बना रहे हैं लेकिन लाइट सोर्स का ध्यान रखा हुआ है कि लाइट कहाँ से आ रही है और शेडो कैसे बनेगी, तो यहाँ पर मैं अपने अंदाजे से शेडो बना रहा हूँ। और जो हमने गले में माला पहनाई थी उसको मैंने चेंज कर दिया है ये वाली माला के साथ और ये वाली ज्यादा बेटर लग रही है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हाईलाइट बनाने वाला हूँ और जो हमारे लेफ्ट आर्म पे हाईलाइट बनी हुई थी उसको मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि उसका मतलब नहीं बनता वहाँ पे बनने का। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हाईलाइट्स बनाने वाला हूँ उनके फिंगर्स के ऊपर, फीट के ऊपर, शोल्डर, आर्म्स के ऊपर और थोड़ी सी धनुष के ऊपर भी। जैसा कि मैंने आपको बताया था जो हमारी बॉडी पे हाईलाइट बन रही है स्ट्रॉन्ग, उस तरह की हाईलाइट हमारे फेस पे नहीं बन रही, तो मैं एक वैसे ही हाईलाइट हमारे फेस पे बनाने वाला हूँ जहाँ से लाइट आ रही है।
और थोड़ा सा डेप्थ ऐड करने के लिए बैकग्राउंड में यहाँ पे मैं टिल्ट शिफ्ट का यूज कर रहा हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है छोटी सी, जो भी मेरी वीडियो को उठा के अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मुझे उस इमेज का क्रेडिट दे देंगे ना कि मैंने बनाया, ना कि ये बोल के कि वो आपने बनाया, तो मुझे अच्छा लगेगा। आप डीएम करके मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको मना नहीं करूंगा वीडियो अपलोड करने के लिए। एटलीस्ट ये तो मत बोलिए कि वो आपने बनाया, क्योंकि इसमें यार बहुत मेहनत लगती है मेरी, और ये सही तरीका भी नहीं है यूट्यूब पर इस तरह से व्यूज लेने का। यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड में ट्री लगा दिया, एक छोटा सा उसकी ब्रांच दिख रही है, और थोड़ा दूर कहीं मैंने बर्ड दिखाए हुए उड़ते हुए, व्हाइट दिखाए। पहले मैं ब्लैक सोच रहा था, पर मैंने कहा ब्लैक अच्छे नहीं लगेंगे, व्हाइट दिखाना ज्यादा बेटर है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी जमीन पे हाइलाइट्स और थोड़ी सी डर्ट भी दिखाई है उड़ती हुई, क्योंकि जिस हिसाब से हमने अपना सीन बनाया है, यहाँ पे थोड़ा सा डर्ट डाल देंगे तो खाली खाली नहीं लगेगा, उससे थोड़ा भरा हुआ लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने जो ब्रश बनाया था हेयर वाला, उसको यूज करके यहाँ पे मैं थोड़े से और हेयर ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने रिस्ट पे भी मालाएं लगा दी है, जैसे कि राम जी की होती है। उसके बाद यहाँ पे मैं कैमरा रॉ फिल्टर में ले आके इसे फाइनल टच देने वाला हूँ। और ये कैमरा रॉ फिल्टर मेरा अजीज दोस्त बन चुका है, क्योंकि इसके बिना पिक्चर फाइनल नहीं हो पाती। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने सनलाइट, सन फ्लेयर, ये सारे ओवरले लगाने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी इमेज के अंदर और डेप्थ दी है, जिससे हमारे सीन के अंदर थोड़ी सी और ज्यादा जान आ जाए। यहाँ पर मैंने श्री राम लिखा, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा, और ये सारी चीजें करने के बाद हमारी इमेज ऐसी दिख रही है। तो यहाँ पर ऋतिक रोशन जी कुछ ऐसे दिख रहे हैं राम जी के अवतार में, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं ऋतिक रोशन सर राम जी के अवतार में। क्या यहाँ पर ऋतिक रोशन जी बिल्कुल फिट बैठते हैं राम जी के रोल के लिए? एंड आई होप मैं यहाँ पे राम जी को अच्छे से दिखा पाया हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, पर उल्टा सीधा कमेंट में कुछ मत बोलिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलते रहे फ्यूचर में भी। और मैं अगला वीडियो कुंभकर्ण के ऊपर बनाने वाला हूं, और वो थोड़ा एपिक होने वाला है। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।